बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती है, न्यू वैकेंसी है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत यह भर्ती आती है और ये कांस्टेबल रैंक की भर्ती है। कल भी हमने इस पर वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसमें कितने नंबर का रिटर्न एग्जाम होने वाला है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस विषय से प्रश्न आएंगे, किस तरह आपका फिजिकल होगा और फिजिकल में क्या क्या होगा, फिजिकल कितने नंबर का होगा, किस पर आपकी मेरिट बनेगी, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सभी कुछ हमने उस वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम बताएंगे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत लड़कियों की हाइट कितनी मांगी गई है, कितना वेट होगा, कितने से एज काउंट होगा डायल 112 में, ये सभी कुछ हम आपको ऑफिशियल बताएंगे, सीएसबीसी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किए गए नोटिस के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि जो भी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती है सही और सटीक जानकारी मिलती है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह समय पर मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत जो डायल 112 में होंगे 27,000 पद की भर्ती, यानी 27,000 जो पद हैं वो रिक्त माने गए हैं अभी इस टाइम पर वर्तमान में, जिन पर बहाली कराई जानी है। तो 27,000 जो पद हैं इसमें कई ऐसे पद हैं जिनकी सीधी भर्ती कराई जाएगी और कई ऐसे पद है इसमें जो कि प्रमोशन से भरे जाएंगे, यानी दोनों तरह से बहाली कराई जाएगी, प्रमोशन से भी रिक्त पद हैं जो भरे जाएंगे और कई ऐसे पद हैं जिनकी सीधी भर्ती होगी। तो यानी ये तीन चरणों में आपकी भर्ती कराई जाएगी। पहले चरण में 7,000 से अधिक सीट रहने वाला है ना, 7,000 रहेगा और हर एक जो तीन भर्ती होगी तीनों भर्ती में 7,000 से अधिक रहेंगे, कम नहीं रहने वाले हैं। तो अच्छी खासी भर्ती है और बड़ी भर्ती है, तो 7,000 पद रहने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं हाइट कितनी मांगी गई है लड़कियों की इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत जो भर्ती है इसमें कितना वेट मांगा गया, कितना हाइट मांगा गया। देखिए इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन ये वीडियो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के बारे में बात करेंगे, तो ये सेपरेट वीडियो गर्ल्स के लिए है ना। तो सीधे लेके चलते हैं आपको सीएसबीसी के ऑफिशियल नोटिस पर। दोस्तों ये नोटिस जो है सीएसबीसी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया गया, आप भी जाके कर सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं सीएसबीसी के ऑफिशियल साइट से। तो इसमें मैं बताने वाला हूं कि गर्ल्स की हाइट कितनी मांगी गई है ना। तो यहां देखिए ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई यहां देखिए सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है ना, 155 सेंटीमीटर सभी गर्ल्स की, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, चाहे वो जनरल हो या एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी से आती हो और महिला कैंडिडेट है तो उनका जो हाइट रहने वाला 155 सेंटीमीटर। तो ये ऑफिशियल बता रहे हैं सीएसबीसी के ऑफिशियल साइट से, जो हमने डाउनलोड किया गया नोटिस उसके थ्रू हम बता रहे हैं, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो वजन पे ज़्यादा रिक्वायर रहती है, देखिए कई कमेंट आए थे उस वीडियो को अपलोड करने के बाद कि हाइट कितनी है, वेट, तो आप पूरी वीडियो देखते नहीं है फिर आप कॉमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वजन, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, यानी जो लड़कियों के लिए वेट रखा गया है वो 48 केजी होना चाहिए, एकदम ज़रूरी है ना, कंपलसरी है। अगर 48 केजी है तो ही आप क्वालिफाई हो पाएंगे, चाहे आपका कितना भी अच्छा क्यों ना फिजिकल हो, अगर आपका 48 केजी वज़न नहीं हो रहा तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। चाहे आप रिटर्न एग्ज़ाम क्यों ना क्वालिफाई करके आए हो आपने, और ये जो वेट है वो लास्ट में मेज़र की जाती है ना, वेट आपका लास्ट में चेक होता है कि आपका कितना वेट है और फिर उस टाइम आपको डिसक्वालीफाई किया जाता है। तो हाइट जो है 155 सेंटीमीटर रखी गई है और वेट जो है वो 48 किलोग्राम रखी गई है। अब आपके सभी सवालों का जवाब इसमें मिल गया होगा। और लास्ट तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है एज को लेकर, कि एज कितने से काउंट होगा बताएं। तो देखिए एज अभी क्लियर कट हम आपको नहीं बता सकते कि एज कितने से काउंट होगा, क्योंकि कोरोना के टाइम में भर्ती नहीं कराई गई है ठीक ढंग से, है ना, और जिसके कारण एज सभी का बढ़ गया है, ठीक है ना। तो एज में भी छूट मिलना चाहिए, और मिलना तो चाहिए, अब कितने साल का छूट मिलेगा ये ऑफिशियल नोटिस रिलीज होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितना एज में छूट मिलने वाला है, एक साल का कि दो साल का, है ना। तो इसलिए हम अभी क्लियर कट आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी आपको इसमें बताया जाता है ऑफिशियल बताया जाता है, ठीक है ना, बेकार की जानकारी हम फालतू की जानकारी नहीं देते। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आता है सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एज कितने से काउंट होगा, है ना। और इसी तरह की ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस किस विषय से किस कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।